नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम एवरीडे अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 15 जून में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी के बारे में ही आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के पास साइड में जो बेल आइकन है उसमें ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम, तो इसका आंसर होगा दोस्तों हरियाणा। फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हु प्लेड सिनेमा ऑन लाल किला इन 1947 ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो दोस्तों उसका आंसर होगा उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायर वाच कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज 2021 कंडक्टेड, तो कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट किया गया था, तो उसका आंसर होगा दोस्तों इंडिया। वो किसके बीच में हुआ था दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये हुआ था आपका यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, इन व्हिच स्टेट 40th यूनेस्को हेरिटेज साइट इज प्रेजेंट, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका गुजरात, गुजरात, ठीक है। तो गुजरात का कौन सा साइट, वो है हड़प्पा धोलावीरा इज 40th साइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है यहाँ पर, हु इज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इसका दोस्तों आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेयर इज अपालाचियन माउंटेन इज सिचुएटेड, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ अमेरिका, बिटवीन यूएसए एंड कनाडा। चकमा रिफ्यूजी केम फ्रॉम व्हिच कंट्री, बांग्लादेश। नेम ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ तुलसीदास, उत्तर प्रदेश। व्हिच जॉर्ज पेरिस रिसीव नोबेल प्राइज इन व्हिच फील्ड, दोस्तों इसका आंसर होगा आपका फिजिक्स। व्हाट इज कर्नाटका ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका कामसाले। हु इज ऑथर ऑफ ए बर्निंग बुक, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका मेघा मजुमदार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन डिड राउलट सत्याग्रह स्टार्टेड, तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 6 अप्रैल 1919। फिर है दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय व्हिच आईआईटी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वाज कैपिटल बिफोर पाटलिपुत्र ऑफ मगध, दोस्तों इसका आंसर होगा राजगृह और राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच इज हार्डेस्ट कार्बन एलिमेंट, तो दोस्तों इसका आंसर होगा डायमंड। व्हिच स्टेट रिसीव मोस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो दोस्तों इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच मेटल कैन बी कट बाय नाइफ, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जनजातीय फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी इन 2021, इसका आंसर होगा दोस्तों बिरसा मुंडा। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2021 इज गिवन टू, तो दोस्तों इसका आंसर बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 11 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया गया था, तो यहाँ पर मैं पूरे 11 साइंटिस्ट के बारे में मैंने दे दिया हूँ, आप देख लेना। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके देख लेना। जैसे केमिकल साइंस कैटेगरी में किसने पाया है, अर्थ एटमोसफियर
एजुकेशन और पैलेंटिव साइंस में कौन पाया है, इंजीनियरिंग साइंस कैटेगरी में किसने पाया है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IPv4 जो है, IPv4 एड्रेस से रेंजेस बिटवीन, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से दोस्तों इसका यहाँ पर टोटल IPv4 जो एड्रेस है वो उसका नंबर है 256, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वो 0 से लेकर 255 तक है उसका रेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 86 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, इसका आंसर है प्रेसिडेंट कैन एड्रेस बोथ हाउस टुगेदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीरा फुल राइस इज ए GI टैग ऑफ व्हिच स्टेट, तो छत्तीसगढ़ का राइस का नाम है जीरा फुल, उसे मिला है GI टैग। चीनूक विंड फ्लोज थ्रू व्हिच कॉन्टिनेंट, तो इसका आंसर होगा दोस्तों नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन माजुली आइलैंड ऑफ आसाम, तो उसका आंसर होगा दोस्तों गौरी पर्व। माजुली आइलैंड में जो फेस्टिवल होता है वो देख लेते हैं कुछ कुछ फेस्टिवल का नाम, फाल्गु उत्सव, रास उत्सव, बिशु, माघ बिहू एक्सेट्रा, वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है माजुली आइलैंड पर। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। जो लोग NTPC का एस्पिरेंट है जिसका एग्ज़ाम अभी तक भी नहीं हुआ है, वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और एग्ज़ाम के बारे में बोलूँ तो एग्ज़ाम अभी तक मॉडरेट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा ईजी भी नहीं है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो और जो रीजनिंग है वो थोड़ा सा टफ है, उसका कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ वो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा दिया है और वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है दोस्तों।